हाय एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड यार, आज हम बात करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल का हाल, आपसे दूर होकर उन्हें कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं, क्या फीलिंग रहती है उनकी। एंड बात करेंगे लास्ट नाइट फीलिंग की भी एंड अभी की करंट फीलिंग की भी बात करेंगे। तो डियर, चलिए देखते हैं। एंड डियर, आपको बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, ओके? एंड आपको पता है कि जर्नल रीडिंग सबसे रेजोनेट हो जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देखेंगे या फिर सुनेंगे तो आपसे ज़रूर कनेक्ट होगी, आपसे कनेक्ट होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं। तो डियर, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, खासकर लव रीडिंग है, तो अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो सच्चे मन से, अपने दिल से बिल्कुल फोकस कर उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार 5 बार या फिर 7 बार ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ओके डियर, अभी आपने नाम ले लिया होगा एंड चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट फीलिंग देखते हैं पहले, है ना, उन्होंने क्या सोचा आपके बारे में। देखिए डियर, आपके पार्टनर की लास्ट नाइट फीलिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मिस आपको कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, थोड़ा हेल्थ इशू भी नज़र आ रहा है, तो थोड़े से हेल्थ इशू भी उनको हो रहा है, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हेल्थ इशू कुछ नज़र नहीं आ रहा, छोटा मोटा हेल्थ इशू जैसे कि कोल्ड या फिर हेडेक या फिर हाथ पैरों में दर्द जैसी समस्या, है ना, यही प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। एंड यार, ये पर्सन जो है अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपको बहुत मिस किया इन्होंने रात के वक्त, इन्होंने जिस काम को ये कर रहे थे उसमें भी इनका मन नहीं लगा, कोई काम कर रहे थे तो उस पर फोकस नहीं कर पाए, इसलिए वो काम इन्होंने अधूरा छोड़ दिया है एंड बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट टाइम में इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ किया है, तो उस बात का भी इन्हें रियलाइज़ है कि गलती हुई है मुझसे, है ना, ऐसा टाइप में सोच रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं, ये अब आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से एंट्री लें आपकी लाइफ में वापस से, क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं। एंड डियर, अभी की फीलिंग देखते हैं, करंटली में क्या फीलिंग है। डियर, करंटली देखते हैं इनकी फीलिंग इस वक्त की। ओके, देखिए डियर, इनकी जो फीलिंग आ रही है अभी इस वक्त की, है ना, इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि कल काम अधूरा छोड़ा रात के वक्त, अभी उस काम को फिर से करना चाह रहे हैं लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी हो सकती है या फिर कोई ऑफिस वर्क हो सकता है ना, कुछ भी काम है लेकिन काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है एंड रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है आपके साथ बुरा कर। तो अभी हम देखेंगे डियर कि ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। देखिए डियर, ये जो पर्सन है ना, इनकी फीलिंग जो आ रही है ना इस वक्त, बहुत ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी वाली आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है ये, क्योंकि किसी तीसरे के कहने में आकर इन्होंने आपको छोड़ा था, उस वक्त छोड़ा था जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पर्सन की थी, तो इन्हें एहसास हो रहा है कि जिस वक्त मैंने मतलब इन्होंने आपको छोड़ा उस वक्त आप बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा आपने एकदम से स्ट्रेस में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे आप, बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल से उस दुख से आप बाहर निकल कर आए हैं, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये वापस से आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे वापस अपनी लाइफ में ले लो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, है ना, ये इस बात को कहना चाहते हैं आपसे। इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव आ रही है, बहुत ज़्यादा अंडर डियर पॉजिटिव तो है, लेकिन जो पास्ट टाइम में इन्होंने आपके साथ किया ना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है एंड कहते हैं ना कि किस मुंह से आए आपके पास, तो वो फीलिंग इनकी हो रही है कि ये आना चाहते हैं लेकिन इन्हें यही है कि मैं किस तरह से आपके पास वापस आऊँ, क्योंकि पास्ट टाइम में इतना बुरा इन्होंने किया है ना आपके साथ। तो डियर, ये कहीं ना कहीं अंदर से इनका जो दिल है ना वो इन्हें खुद ही इस बात को पनिश कर रहा है कि तुमने बहुत बुरा किया किसी के साथ, है ना, अपने आप को डेली पनिश करते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड यार, इनकी जो ये सिचुएशन है अभी 2 से 3 महीने के अंदर ही अंदर हुई है, उससे पहले इन्हें एहसास नहीं था आपसे दूर रहने का, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इन्हें बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है आपसे दूर रहने का, आपसे दूर रहना मुश्किल है। एंड यू नो, अभी देखिए, जैसे कि अभी जो वक्त चल रहा है इस वक्त भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है,
इनके अंदर एकदम से ऐसा कुछ हो रहा है कि बस कैसे भी कर आपके पास आएँ या फिर आपको अपने पास लेकर आएँ, कुछ भी है लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं। 85% चांसेस है कि ये बहुत जल्दी आपसे मिलकर अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त, जो सिचुएशन इस वक्त इस पर्सन की है ना, वो उस सिचुएशन को देखते हुए डियर ये ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएगा। फिर आप चाहे इन्हें इग्नोर करें या फिर आप इन्हें डांट दें, मार दें या फिर कुछ भी करें, मारें या ना कुछ भी करें, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इनका जो बेचैनी तभी शांत होगी जब आपसे एक बार मिल लेंगे, अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर लेंगे, तभी ये फीलिंग जो है, इनकी टेंशन जो चल रही है दिमाग में, ये शांत होगी। क्योंकि इन्हें ऐसा, इनके दिमाग में ना ऐसा आ रहा है कि एक बार कोशिश, यानी कि ट्राई करना चाहते हैं ये, इन्हें ऐसा लग रहा है कि एक बार कोशिश करूँ, क्या पता आप मान जाए इनकी बात, है ना, तो कोशिश करना चाहते हैं। फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपने दिल का हाल आपसे कहना चाह रहे हैं डियर। अभी देखिए डियर, काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार इनके सपने आते होंगे, या बार बार आपको ऐसा लगता होगा कि आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और बार बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपका रोने का मन कर रहा है, बार बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपके दिल दिमाग में ना बेचैनी सी हो रही है। तो आपके ये साथी ऐसा क्यों हो रहा है, आपने सोचा होगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है। तो डियर, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं। इनकी बेचैनी, इनकी तड़प, इनकी सब कुछ ना, इनकी जो इंटेंशन है इस वक्त, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है। ये वही फील कर रहे हैं जो आप, या फिर ये कह लीजिए कि आप इनकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, आपके साथ अपनी लाइफ आगे देखते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। एंड अभी इनका दिल दिमाग सिर्फ आपको लेकर सोच रहा है, बाकी इनके दिल दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है आपके सिवा। आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं डियर। एंड डियर देखिए, थर्ड पार्टी इशू था लेकिन अब नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू था, बट डियर अब थर्ड पार्टी इशू नहीं है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से आउट हो चुकी है डियर। अब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, अगर आप दोनों एक साथ होंगे तो। अगर आप दोनों साथ नहीं हो पाए तो डियर, जैसे कि अभी देखिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि आपके पार्टनर ने इतना कुछ किया आपके साथ, है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्यों किया है इस टाइप में, है ना, आप उनसे बात नहीं करेंगे, उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, इस टाइप में आप भी सोच रहे होंगे। लेकिन डियर, ये जो पर्सन है, ये सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एंड डियर, आई नो आपका दिल बहुत दुखा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बट डियर अगर आप इन्हें माफ़ कर आगे बढ़ना चाहेंगे इनके साथ, तो ये आने वाले समय में आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, कभी भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि डियर इन्हें सबक मिल चुका है, है ना। तो डियर, रीडिंग कनेक्ट हो रही हो तो कमेंट करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, एंड रीडिंग कैसी लगी वो भी बताइएगा, रेजोनेट हुई या नहीं वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच डियर।